ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 28 अक्टूबर की ईश्वर वरदान की। परमपिता परमात्मा सुप्रीम क्रिएटर सारी दुनिया इनको ढूंढ रही है, मांग रही है मन्नतें पूरी करने के लिए, चाहे धन की हो, चाहे संबंधों की हो, चाहे खुशी की हो, चाहे सुख की हो, चाहे आनंद की हो, सारी मन्नतें पूरी करने के लिए कह रही है, हे प्रभु झलक दिखला दे अपनी, आप कौन हो? हे गीता के भगवान आप कौन हो? सारे शास्त्रों में जिनका वर्णन किया हुआ है वो भगवान आप कौन हो? आप इस पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए आ जाओ, आप हमें मुक्ति दे दो। और जब वो मिल जाए, जब उनकी पहचान हो जाए, तो उमंग उत्साह कैसा रहना चाहिए? किसी को जैसे कि लॉटरी लग जाए। अगर आपके पास में लॉटरी लग जाए आज इंसान के पास में, तो उसको आज ज़्यादा उमंग उत्साह है। अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हें भगवान या एक लॉटरी करोड़ों की अरबों की मिली है, दोनों से चूज करो, ज्यादातर आज कहाँ जाएंगे? राइट, आप कौन से पता है ना। तो यही कारण है कि हमारा उमंग उत्साह हमेशा का नहीं रह पाता है। तो देखिए आज परमात्मा कहते क्या है। परमात्मा कहते हैं, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भवा। उत्सव क्यों, हर घड़ी क्यों? क्योंकि कौन मिल गया? जब आप 7 डेज ब्रह्म कुमारी का कोर्स करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये बात किस चीज की करी जा रही है। कौन मिल गया, किससे मिलना था, किसको ढूंढ रहे थे जन्म जन्मांतर? वो अगर मिल जाए तो आपका उमंग उत्साह कभी घटना नहीं चाहिए, लेकिन हम फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो वो उसी कारण से हमारा उमंग उत्साह कम होता है। तो देखें परमात्मा विस्तार में कहते क्या है। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं कि मजा आ जाए। दिवाली मनाई, लोगों को मिलने गए, अच्छे कपड़े लगाए, पटाखे फोड़े, जो भी किया आपने, उमंग उत्साह से होता है सब कुछ। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। हर सेकंड कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। नहीं होने का कारण क्या है? जिसको ढूंढ रहे थे, जिसको पाना था, उसको पा लिया। अपने सोर्स से कनेक्ट हो गए, अपने सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट हो गए, परम आत्मा से कनेक्ट हो जाना। फिर परमात्मा कहते हैं, जैसे इस शरीर में श्वास है, अपने शरीर को आप सोचिए जरा, तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कर दे आपके साथ में, कोई आपको सपोर्ट भी ना करे, पूरी दुनिया का सपोर्ट ना करे, आपके पास में परमात्मा का सपोर्ट है, उस सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम लाइट, सुप्रीम फोर्स, इन्फिनाइट बीइंग का, बेअंत शक्ति का, अगर आपके पास सपोर्ट है, तो सारी दुनिया एक तरफ और आप और वो एक तरफ, उमंग उत्साह खत्म हो ही नहीं सकता। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अभी कौन सी श्वास है? ये हमारी ही श्वासें हैं, लेकिन हमारी श्वासें जब क्रोध आता है तो कैसे हो जाती हैं? तेज। जब सामने से ट्रक निकल जाए डर के मारे, तेज, मतलब कि स्ट्रेस हो गया। तो आज इंसान स्ट्रेस में है, आज इंसान डिप्रेशन में, डिप्रेशन में आपकी सांसें बहुत गहरी लंबी हो जाती हैं, वो भी ठीक नहीं है। क्रोध में, स्ट्रेस में, टेंशन में बहुत तेज हो जाती हैं, ज्यादा सोचने से तेज हो जाती हैं। तो क्या करें, सांसों को कंट्रोल करें कि सोच को कंट्रोल करें? आपका आंसर क्या रहेगा? एक है टेम्परेरी, एक है परमानेंट। अगर आप सोच को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रेस को खत्म कर देते हैं और डी स्ट्रेस हो जाते हैं, सांसें कैसे हो जाएंगी? रिलैक्स, राइट। लेकिन आज हम मेडिटेशन किस प्रकार की करते हैं, किस पे फोकस करते हैं? सांसों पे फोकस करते हैं, इसलिए हम गलतियां करते हैं। सांसों पे फोकस करने से आपके संकल्प चेंज नहीं होते, आप कुछ देर के लिए अपना फोकस, उस अटेंशन को हटा देते हैं। कोई एक ड्रिंक करता है, कोई स्मोक करता है, थोड़ी देर के लिए उसका अटेंशन स्मोकिंग के ऊपर, उस ड्रिंक के टेस्ट के ऊपर चले जाता है, संकल्प थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं, आप किसी और चीज पे फोकस कर रहे होते हो। उसी तरीके से अगर आप सांसों पे फोकस कर रहे हो तो आप कुछ और चीज पे फोकस करो, लेकिन आपके संकल्प, जैसे ही सांसों से हटा आपका टेंशन, फिर संकल्प। तो क्यों ना हम थॉट्स को, जो कि बीज है, उसको हम क्यों ना ठीक कर लें, ताकि हमारा उमंग उत्साह हमेशा के लिए रहे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए, तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। आप ठीक से सच्चा जीवन नहीं जी पा रहे हो, जैसे आप जीने के लिए आए हो। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है, कि हमारा मूड ऑफ हुआ तो सांसों की गति चेंज हो गई,
टेंशन आ गई, स्ट्रेस आ गया, हमारे अनुसार चीज़ें नहीं हुई, तो उसके अनुसार हमारे सांसों की गति या तो तेज़ या तो धीमी पड़ गई, घबराहट होनी शुरू हो गई, हल्की हो गई सांसें। तो परमात्मा ये कहते हैं, अपने संकल्प को चेक करो कि तुम्हें मेरे साथ कितना कनेक्शन जोड़ने की आदत पड़ी है, कि दुनिया की इच्छाओं के साथ में कनेक्शन जोड़ने की आदत पड़ी है। तो फिर सांसें ऊपर नीचे होती रहेंगी, हर सिचुएशन चेंज होगी, और कलयुग चल रहा है, सिचुएशन कभी सामान्य नहीं रहेंगी, ऊपर नीचे होंगी। उसके हिसाब से अगर आपकी सांसें भी ऊपर नीचे हुई तो आपकी उम्र कितनी घट जाएगी। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, और हर सैटरडे को, कल भी एक सैटरडे आ रहा है, 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का टाइम, या 6 बजे तक का टाइम लीजिए, आप आइए, सुनिए। अगर आपके पास में लिंक नहीं पहुंचा अभी तक तो मुझे आप मैसेज करें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा पर्सनली। आइए सुनिए, और ब्रह्म कुमारी सेंटर अगर आसपास है तो वहाँ पे जा करके इस कोर्स को करिए 7 डेज का, आपकी एंग्जाइटी, आपके डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ओम शांति।